हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में कोई ब्लॉग नहीं है, बस जस्ट मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। जो इंडियन यूट्यूबर प्रियंका है, आप सब लोग जानते हैं, 5.5 लाख से ऊपर उनकी यूट्यूब की फैमिली है, तो आप सब लोग उनको जानते ही होंगे कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कंडीशन हो रही है प्रेगनेंसी में। बहुत सारे उन्होंने स्कैन करवाई है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। और आप लोगों को, बस हेटर्स को, उनको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ किसी की प्रेगनेंसी का ना इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर वो रो रही है, अगर उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई है, तो इट मीन्स वो सच बोल रही है। ऐसा कोई झूठ नहीं बोलता अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, स्पेशली अपने बच्चे के बारे में तो कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। तो हम लोगों को पता है, हम उनके साथ बहुत, मतलब हम उनके हमेशा साथ हैं, प्रियंका के साथ हमेशा से हैं। उनके लिए इतनी प्रे करिए कि उनका बेबी बिल्कुल हेल्दी होके ही अपने टाइम पीरियड पे आए और सबके लिए इतनी खुशियाँ लेके आए। और चलो, ये है कि उनके साथ ऐसी कंडीशन हो गई है जो हर कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि जब वो एक माँ बनती है तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हो। आई होप सो आप लोग समझ सकते हो, एक माँ ही अपने बच्चे को ऐसा दूर जाने का दर्द समझ सकती है। एक माँ ही है जो सब समझती है कि एक वो पेन क्या होती है बच्चे के लिए, इतना 9 मंथ तक स्ट्रगल करना, और इतनी, मतलब उस टाइम पे खुशी भी होती है। हम इतने मतलब बहुत ही मतलब कह सकते हो ईगरली हम उनका वेट करते हैं कि कब बेबी आएगा, कब उनके साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे। बट जो भी उनके लिए मूवमेंट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं मदर के लिए। तो मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग प्रियंका के बारे में फेक बातें मत कीजिए, उनकी प्रेगनेंसी झूठी के बारे में बातें मत कीजिए, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी झूठी नहीं है। एक माँ ही अपने बेबी को खोने का दर्द बता सकती है, समझ सकती है कि उनका बेबी अगर उनके पास नहीं है तो कितना दुख होता है। और आप लोगों में कुछ हेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया हुआ है ना, कि मतलब वो झूठे अफवाह फैलाती है, ऐसा ऐसा करती है, ब्लॉग्स बनाती है। वो आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों को भी बुरा लगता होगा कि वो इस टाइम पर अपने उनको ब्लॉग्स वगैरह जो है वो सब चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। बट ना, जो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है, सब लोग ना ज़्यादातर यही कमेंट कर रहे हैं कि वो मतलब झूठे आंसू है उनके। मैंने आज ही उनकी वीडियो देखी है, जो मतलब सुनने के बाद खुद एक माँ को खुद ही रोना आ जाएगा। वो समझ सकती है उस बात को कि उनके साथ कितनी परेशानियाँ हुई होगी, कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी होगी, उनकी फैमिली ने फेस करी होगी। तो मेन जो स्कैन होती है वो 5th मंथ की स्कैन होती है। 5th मंथ की स्कैन में सब कुछ हैवी स्कैन में डॉक्टर ये बताते हैं कि बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनना स्टार्ट हुए हैं, ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। तो उनको मतलब रिपोर्ट्स में पहले से ही आ गया था कि उनकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बेबी बिल्कुल अंदर ठीक नहीं है, तो उसको स्पेस नहीं मिल रही मूवमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से उनको उसको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं समझ सकती हूँ, बट कोई बात नहीं, भगवान एक दिन आपके लिए भी ज़रूर ऐसा दिन लाएंगे, कान्हा जी फिर से आपके पास प्रियंका ज़रूर आएंगे। तो आप इसके लिए प्लीज़ इतना टेंशन मत लीजिए, आप बस हौसला रखिए और रेस्ट करिए प्रॉपर। सो आप लोगों के साथ ये टाइम फिर से दोबारा आएगा और बहुत ही अच्छा टाइम आएगा। तो मैं बस हेटर्स को बस एक यही बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा किसी के बारे में मत भूलिए, ठीक है। और हो सकता है कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझिए, उनको थोड़ा सा हौसला दीजिए, आपकी इस कंडीशन में वो और उनकी फैमिली अच्छे से रहे। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ और कुछ नहीं मैं बोलूँगी। आई होप सो आप लोग समझोगे। और प्रियंका, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो